सभी साथियों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस समय अंबेडकर भवन नई दिल्ली में है। यहाँ पर देखिए केंद्रीय प्रदेश कार्यालय समता सैनिक दल लिखा गया है। संस्थापक बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली। ये आपका लिखा गया है। यहाँ पर देखिए बोधिसत्व, भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब का, यहाँ पर बाबा साहब के नाम से यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन बनाया गया है। हम आपको ले चलते हैं अंदर। आज यहाँ पर 23 अक्टूबर 2023 है और आज यहाँ पर धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है। उसके पहले हम यहाँ पर कुछ ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। ये हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके पहले यहाँ पर देखिए महेंद्र भास्कर कोषा अध्यक्ष अंबेडकर भवन का एक होर्डिंग भी लगाया गया है। और भी हम कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर देखिए महेंद्र भास्कर ट्रेसर इंचार्ज कंप्यूटर सेंटर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए बाबा साहब की एक प्रतिमा स्थापित है इस जगह पर। हम ले चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बाबा साहब की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है ये भी देखते हैं। बीपी मौर्या, फार्मर यूनियन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्थापित किया, उनका नाम यहाँ लिखा गया है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा गया है। और हम ये देखिए यहाँ पर गया भारत का संविधान उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग सरसी शुक्ल सप्तमी स्वतः विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्थित करता है। अम्बेडकर भवन में छात्र छात्राएं हैं, ये बनाया गया है। यहाँ पर रात्रि निवास भी है, पढ़ने की व्यवस्था है, को दिखा रहे हैं। यहाँ पर जय भीम लिखा गया है। यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर सेकेंडरी स्कूल लिखा गया है। रानी झांसी रोड ईसीओ क्लब लिखा गया है। ये यहाँ पर देखिए सामने बोधाचार्य केंद्रीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर योद्धम शिक्षा समारोह आयोजन किया गया 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। सामने हम आपको अभी ले चल रहे हैं, दिखाते हैं वहाँ पर मंच लगाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लिखा गया है, यहाँ पर शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, दिल्ली शेड्यूल कस्टम वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नंबर 2018-19 की कार्य समिति की देख रेख में यह लिप का निर्माण पूरा किया गया है। कुमार सेन बौद्ध प्रधान, दौलत राम महामंत्री, महेंद्र भास्कर कोषाध्यक्ष, यहाँ सभी पदाधिकारियों का नाम लिखा गया है। भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत कार्यालय बनाया गया है दिल्ली प्रदेश का। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इस वक्त, और बहुत खुशी की बात है, यहाँ पर रेलवे से रिटायरमेंट प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रहते हुए यहाँ पर रंजीत सिंह बौद्ध हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सामने प्रशिक्षण में
काफ़ी लोगों को अभी तक प्रशिक्षण भी दे चुके हैं आपके द्वारा। सर, आपके द्वारा मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ 21 अक्टूबर को आया हूँ, लगातार आप यहाँ पर सामने शिविर में जो भिक्षुगढ़ शामिल हुए हैं, चीवर धारण किए हैं, उनके लिए आप बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपका स्वागत है। करुणा के सागर भगवान बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन, और आपके चैनल को साधुवाद जो आपने कीमती समय निकाल करके आप यहाँ पर पधारे। हमारा इसका जो श्रामदेव शिविर 10 दिन से चल रहा है, इसका एक ही मकसद है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बहुत 10 लाख लोगों के साथ में बहुत धम्म की दीक्षा ली, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने कहा था कि बौद्ध धम्म का कारवां आगे बढ़ता रहना चाहिए, कभी इसमें कमियां नहीं आनी चाहिए। तो बाबा साहब की इच्छा की जब तक मैं भारत को बौद्ध में बनाना चाहता हूँ, तो बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये कार्यक्रम जारी है। हम चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म, समतावादी धर्म, मानवतावादी धर्म, न्यायवादी धर्म पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में फैले और जन जन तक पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास है। जी चलिए, अभी आप कहीं आपके साथ में सामने भिक्षु लोग जा रहे हैं भोजन के लिए? नहीं, अभी हमारे पहले बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील होती है, उसके बाद में जो हमारे कार्यक्रम में जब उनका लंच का टाइम होता है 1 बजे का, जब उनको जो भोजन दिया जाता है। अच्छा अच्छा, अभी कहीं जा रहे हैं बस? दूसरा ग्रुप जा रहा है। अच्छा, दूसरा भी ग्रुप चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा।